हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल CP क्लासेस, आपका अपना चैनल जहाँ पर आपको हम देते हैं रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ फेल के एक प्रिंसिपल की, जो है बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th का सेकंड चैप्टर, उसमें से ये लिया गया ये टॉपिक। तो चैनल पर अगर नए आए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रिंसिपल है ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेसिकली प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जितने भी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको एक ही तरह से ट्रीट कर देना चाहिए, उन सब की ट्रीटमेंट एक ही तरह से होनी चाहिए, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि उनके बीच में ना भेदभाव ना लगे बिल्कुल भी। अच्छा, जब आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेंगे, सबको एक ही नज़र से आप देखेंगे, एक ही तरीके से डील करेंगे, तो उनके अंदर आएगी फीलिंग ऑफ डेडिकेशन, अटैचमेंट फॉर द वर्क, वो खुद अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फील करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी एम्प्लॉयज़ को हमें इक्वली और इम्पार्शली ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो 10 यूनिट बनाता है एक दिन के अंदर, और एक दूसरा लेबर है वो सुपरवाइज़र का सपोज़ कोई रिश्तेदार है और वो बनाता है सिर्फ 8 यूनिट एक दिन में। अब दोनों को दिया जाता है सेम सैलरी। अब ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ है भाई। सिंपल सी चीज़ है, जो कम काम कर रहा है उसको कम सैलरी दीजिए, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सेम काम के लिए, जबकि उन्होंने कहीं कि काम सेम नहीं किया है, उनको आप सेम सैलरी दे रहे हो। दूसरे बंदे को सैलरी आप ज़्यादा दे रहे हो क्योंकि वो किसी सुपरवाइज़र का, किसी मैनेजर का रिश्तेदार है सिर्फ। तो आप यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हो। घर में भी आप देखो, घर में कई बार होता नहीं है, छोटा बहन भाई होते हैं, बड़े बहन भाई होते हैं, उनके बीच में झगड़ा होता है, तो कई बार बच्चे ही बोल देते हैं कि देखो जी, आप तो हमारे साथ ना पक्षपात कर रहे हो, आप तो ना छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हो, आप बड़े वाले को ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। इस टाइप से कितनी बार देखा है हमने घरों के अंदर। तो अब ये तो चलो एक कॉमन सी बात है, फैमिलीज़ के अंदर होती है, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए फेल ने इस प्रिंसिपल को डेवलप किया। तो कभी भी दो लोगों के बीच में आपको एक जैसी ही ट्रीटमेंट करनी है, हाँ डेफिनेटली उनको जो सैलरी देनी है वो ऑफकोर्स उनके काम के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। गोरे बंदे को ज़्यादा सैलरी देना, जो थोड़ा सा कम गोरा है उसको कम सैलरी देना, तो ये खिलाफ है। मेल को ज़्यादा सैलरी देना, फीमेल को कम सैलरी देना, अगेन ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अगेंस्ट है। अब आप सोचो, जब आप ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे अपनी कंपनी के अंदर, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। एम्प्लॉई सेटिस्फाइड रहेंगे, वो डिवोशन से काम करेंगे कंपनी की तरफ, उनका मन लगेगा काम करने के लिए, और जो स्किल्ड बंदा है वो पूरी तरह से ट्राई करेगा अपनी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और जो अनस्किल्ड है उसे पता है कि यार अगर मैं अपनी स्किल इम्प्रूव कर लूँ तो मुझे भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है। बट वहीं दोस्तों, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना कर रहा हो कंपनी के अंदर, ना किया जा रहा हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एम्प्लॉई डिससेटिस्फाइड रहेंगे। जो स्किल्ड लोग हैं वो सोचेंगे यार हम भी उतना काम कर रहे हैं, ये बंदा उससे कम काम कर रहा है, सैलरी उसको भी इतनी मिल रही है, तो हमें भी क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की, हम भी कम काम करते हैं। तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो काम में ध्यान देना कम कर देंगे, वो केयरलेस हो जाएंगे। ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर है वो सोचेगा यार क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, जब मेरे को उतनी सैलरी मिल जाती है जितने में एक जो स्किल्ड बंदा है वो पैसे ले रहा है, उतने मुझे मिल जाते हैं कम काम करके भी, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक अहम रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ मैनेजर, कि उस मैनेजर को ये प्रिंसिपल बहुत ध्यान से समझना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर एंड जस्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ मन लगाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। तो वीडियो में आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको कि प्रिंसिपल इक्विटी जो फेल का है वो किस तरीके से काम करता है, उसका मीनिंग क्या है, मैंने एग्जांपल से आपको पूरा समझा दिया। बाकी प्रिंसिपल्स के वीडियोस आपको डेफिनेटली प्लेलिस्ट के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और नए आए हो ना चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।